उधर मोहम्मदपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर अनशन पर बैठा है। वहीं पटना में इस हत्याकांड को लेकर सियासत खूब हो रही है। तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हुए हैं, चुनौती सरकार को दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू भी तेजस्वी को जवाब देने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि मुख्य आरोपी पर कार्रवाई को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। मोहम्मदपुर हत्याकांड पर जारी है राजनीति, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्रवाई को लेकर क्रेडिट लेने की होड़। मधुबनी के मोहम्मदपुर में होली के दिन जो खूनी खेल हुआ, उस खेल का सियासी रंग गाढ़ा हो चला है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें मोहम्मदपुर पर टिकी है और निशाना पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक पर साधा जा रहा है। विपक्ष इस काम को पूरी ताकत के साथ कर रहा है और कमान तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। मंगलवार को मुलाकात के बाद बुधवार को सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जहां नीतीश कुमार जी अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे, इतने बेबस इतने लाचार मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। इंटरेस्ट उनका ही नहीं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। मामला काफी गंभीर था, बड़ी घटना घटित थी। मेरे संज्ञान में आए तो मैं तुरंत वहां गया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि अविलंब गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तारी हुई है, सरकार का काम हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी दबाव की वजह से, लेकिन सत्ता पक्ष की दलील है कि नीतीश सरकार में दोषियों को बख्शा नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस को इस हत्याकांड में जातीय संघर्ष नजर आ रहा है जो साजिश के तहत किया गया है। गोली चली, 8 गोली लगी, 5 गोली लगी, गोली मारता है क्रिमिनल, भागता है, मगर ये गोली चलाने के बाद ये संख्या कितने थे? 35 से 40 की संख्या थी। दुश्मनी एक व्यक्ति से हो सकता है, 40 व्यक्ति से दुश्मनी नहीं हो सकता है। देखिए, ट्विटर बबुआ जो है ना, ये तो पहले बोले नरसंहार हुआ है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने माता पिता के 15 साल को उस राज को भी याद करना चाहिए जहाँ की उनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुए। मोहम्मदपुर हत्याकांड में कार्रवाई को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ हर दल कर रहा है, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, लेकिन उस पीड़ित परिवार का क्या होगा? क्या उसे इंसाफ मिलेगा या फिर तारीख पर तारीख मिलेगी? इंतजार कीजिए, उसका भी पता चल जाएगा। आशुतोष चंद्रा, सी मीडिया, पटना।